गुड आफ्टरनून बच्चों। तो मैंने आपके लिए बुलबुल लेसन पढ़ा, समझा दिया। बुलबुल के बारे में मैंने समझाया कि बुलबुल कैसी होती है, इसकी कैसे पहचान की जा सकती है, बुलबुल की क्या विशेषताएं, उनकी विशेषताओं को पढ़ने के बाद में मैंने आपके लिए उसकी विशेषताएं भी लिखवाई। आगे और जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको भी मैं कराऊँगा। तो अब मैं बुलबुल के बारे में और कुछ आपके लिए बता रहा हूँ कि मैंने शायद ये बुलबुल के बारे में आपको वाक्य पूरे नहीं लिखाए। तो पहले मैं वाक्य ओरल आपके लिए लिख बोल रहा हूँ, मौखिक रूप से बोल रहा हूँ पहले, क्योंकि पहले हमको बोलना आना चाहिए। जब बोलना आए तो हम भी लिख भी सकते हैं। तो बच्चों को भी पहले किसी चीज़ के पहले पढ़ना आता है, पढ़ लेते हैं किताब को, कविता को, और पढ़ने के बाद में फिर उसको लिखते हैं। और लिखते लिखते क्या है कि वो फिर क्या है कि बिना देखे भी लिख सकते हैं, किसी के बारे में भी, अपने घर के बारे में, या पक्षी के बारे में, या बुलबुल के बारे में, या कौए के बारे में। तो इस तरह क्या है कि ये बुलबुल लेसन आपका चल रहा है। तो इसमें से क्या है कि मैं सबसे पहले आपको एक बुलबुल के बारे में वाक्य लिखा रहा हूँ, वाक्य बोल रहा हूँ। हाँ, बुलबुल एक सुंदर पक्षी है। बुलबुल बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। बुलबुल फल और कीड़े भी खाती है, फल सब्जी और कीड़े भी खाती है। मैंने बुलबुल के बारे में बताया था कि बुलबुल क्या है कि एक मांसाहारी पक्षी है, यानी कीड़े मकोड़ा खाने के कारण उसको मांसाहारी पक्षी भी कहते हैं। और बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, और बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इसी में से क्या है कि आपको धीरे धीरे क्या है कि कुछ खाली स्थान भी दे दी जाते हैं कि खाली स्थानों को भरो। तो जब हम कोई चीज़ को अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के बाद में उसमें से हम क्या है कि चाहे वो कोई प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है, या हमको खाली स्थान पूछ रहा है, या किसी के बारे में वाक्य पूछ रहा है, हम हर तरह के प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। थैंक यू, जी सर बोला आपने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। फिर आपको मैं बता रहा हूँ इसमें से कि पक्षी और कलगी, कलगी के बारे में बताया मैंने, मुकुट, पक्षी राजा मुकुट पहनता है, उससे उसकी पहचान होती है कि ये राजा है। इसी तरह से बुलबुल एक साधारण बुलबुल होती है जिसको हम बुलबुल कहते हैं, और एक बुलबुल और होती है उसको हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं कि उसके सिर पर कलगी होती है, कलगी होने के कारण उसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। मोर है, मोर का जो मुकुट है उसकी कलगी है वो कैसा होता है, बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग की होती है उसकी कलगी। और मुर्गा है, उसकी लाल रंग की कलगी होती है, और सिपाही बुलबुल उसकी काले रंग की कलगी होती है। इसको मैं पहले आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है? तो पहला ये करा रहा हूँ मैं, अगर रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। हाँ, पक्षी और इधर कलगी, कलगी का मतलब मैंने समझाई दिया आपके लिए, कलगी यानी मुकुट, और मुकुट हमेशा सिर पर धारण किया जाता है, ठीक है? तो कलगी है, मोर, मोर एक पक्षी है, पक्षी के नीचे पक्षी लिख दिया, और उसकी कलगी होती है बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग की कलगी होती है। उसका कलर भी क्या है कि पंखे होते हैं नीले रंग के होते हैं, पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत सुंदर होता है, और उसको मारना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी तो कोई भी हो, उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। पक्षी कोई भी हो, उससे प्यार करना चाहिए, दाना डालना चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, उसको किसी भी पक्षी को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय पक्षी हो या सादा कोई भी पक्षी हो, ठीक है? तो मोर है,
इसकी कलगी होती है बैंगनी। मुर्गा, मुर्गा है, मुर्गा की जो कलगी होती है वो होती है लाल रंग की। और सिपाही बुलबुल, सिपाही बुलबुल, सिपाही बुलबुल की कलगी होती है काले रंग की, उसकी उसका मुकुट होता है काला। तो इधर पक्षी हो गया, इधर कलगी हो गई। उसके बाद में और है, हाँ उसको मैंने आपके लिए, इनको क्या कहते हैं ये भी मैंने करा दिया, लेकिन अब सबसे पहले मैं पक्षी के बारे में वाक्य लिखा रहा हूँ आपके लिए, पक्षी के बारे में वाक्य लिखा रहा हूँ पहले, क्योंकि पक्षी के बारे में 5 वाक्य तो होने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। इसको मैंने साफ कर दिया। अब है बुलबुल के बारे में 5 वाक्य लिखो। बुलबुल के बारे में पांच वाक्य और वाक्य ऐसे लिखने चाहिए हमेशा छोटे छोटे वाक्य और सही वाक्य। बड़े वाक्य लिखेंगे तो गलतियां होंगी। तो सबसे पहला है बुलबुल एक सुंदर पक्षी है, सुंदर पक्षी है, सुंदर पक्षी है। बुलबुल बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, बुलबुल बहुत बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। बनाती है बुलबुल फल सब्जी और कीड़े भी खाती है, और कीड़े भी खाती है, खाती है। फिर अगला है नंबर 4, बुलबुल दो या 3 अंडे देती है, देती है। बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। यस, अब इसको बुलबुल एक सुंदर पक्षी है, बुलबुल बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, बुलबुल फल सब्जी और कीड़े भी खाती है, बुलबुल 2 या 3 अंडे देती है, बुलबुल के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं। तो अंडे जो देती है तो बताओ वो कौन सी बुलबुल है, नर है या मादा? हर पक्षी में नर और मादा होते हैं, ठीक है। मोर है, नर है, मोरनी मादा है। बुलबुल में एक नर होता है, एक मादा होती है, मादा अंडे देती है। तो नर और मादा दो होते हैं। हर कोई भी जीव हो, चाहे चिड़िया हो, कबूतर हो, तोता हो, इनमें क्या है कि दो भाग होते हैं, नर और मादा।
नर और मादा यानी मेल और फीमेल, ठीक है। अब कहते हैं कि बुलबुल दो या तीन अंडे देती है, कुछ बच्चे लिखते हैं कि बुलबुल दो या तीन अंडे देता है, तो देता है का मतलब हो गया उसको नर बना दिया हमने, तो नर कोई अंडा थोड़ी देता है, नारी देती है यानी मादा देती है, ठीक है, नर और मादा इस तरह से। कौआ है तो नाम ही उसका क्या है कि कौआ है, तो वो नर में आता है। तोता है तो वो भी क्या है कि उसका नाम है कि वो नर है। मोर है नर है, मोरनी मादा है, इस तरह क्या है कि हर पक्षी में नर मादा होते हैं। जैसे मक्खी है, मक्खी क्या है, नाम नर लग रहा है, मादा मक्खी का नाम मादा मक्खी, उसका नाम ही मक्खी से लग जाएगा पता कि वो मादा। और एक होता है नर मक्खी मादा मक्खी, ठीक है। मच्छरों में भी ऐसे होता है, नर और मादा, यानी हर जीव में नर और मादा दो भाग होते हैं, उसको मैंने आपके लिए ये बताया। अब जैसे मैंने आपसे कविता के बारे में कहा था कि किसी भी पक्षी के बारे में एक कविता याद कर लेना आप, मोर हो या कोई भी हो, तो मैंने एक कोयल के बारे में एक कविता बोल रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग लिख लेना। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज भर इस डाली पर आई हो। इस तरह क्या है कि ये कविता है, शायद ये क्लास वन की कविता है, लेकिन कविता कोई 1, 2, 3 ऐसे नहीं होती, कविता कविता होती है। अब आप लोगों का कविता का CCA में कंपटीशन हुआ था, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, तो किसी ने तो बड़े ज़ोर शोर से सुनाई, किसी ने धीरे धीरे सुनाई, तो कविता जैसी हो उसको उसी रस में गाएंगे तो क्या है सुनने वाला प्रभावित होगा और उसी आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं, ठीक है। उस कंपटीशन कोई भी हो, कविता का कंपटीशन हो या सुलेख का कंपटीशन हो, उसमें क्या है जज बनाए जाते हैं 2-3 आदमी, और वो क्या है कि बच्चे की कविता को सभी एक साथ सुनते हैं कि किस बच्चे ने कैसी कविता गाई है, और उसी आधार पर वो अंक देते हैं। जब अगर उसकी गाने का तरीका लय तुक कविता वीर रस की है या करुण रस की है या कैसी रस की है, कैसे गाई है, कोई कोई उसको कहता रहा बहुत अच्छी कविता गाई थी, लेकिन इसकी थोड़ी क्या है कि तुक अच्छी नहीं थी, बहुत ढीला ढाला लड़का था, हिल रहा था कविता गाने में, और वो उसको अच्छी तरह भूल गया था, कोई कह रहा था ऐसा लग रहा था इसकी मम्मी इसको बता रही है कि किताब में से देख के पढ़ रहा था। तो कविता क्या है कि अगर आपको कोई भी कविता याद हो तो क्या है कि कविता कंठस्थ होनी चाहिए, उसको हम बिना देखे गा सकें, ठीक है, वो होती है कविता। तो कविता के बारे में कविता का ज्ञान तो हमको होना चाहिए, ठीक है। फिर है बुलबुल अपना घोंसला किससे बनाती है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि बुलबुल अपना घोंसला किससे बनाती है, तो बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और पौधों की जड़ों से बनाती है। पौधों की जड़ों में छोटे छोटे तिनके होते हैं, उन तिनकों को अपनी चोंच से एक एक को उठा के लाती है और अपना सुंदर घोंसला बना देती है। तो अब मैं इस तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे उनकी पहचान के आधार पर पहचानो, ऐसा मैं वर्कशीट में दूंगा इनको, लेकिन लिखाना भी है आपको, वो करा रहा हूँ पहले, इसको साफ कर देता हूँ।
एक चीज ध्यान रखनी है आपको, आपकी एग्जाम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, होगी तो होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। आपको अच्छी तरह पढ़ना और लिखना आना चाहिए, कोई ऐसी पाठ नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हमको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, वाक्य बनाना नहीं आता है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर गौर से पढ़ो, ध्यान दीजिए, ठीक है। बनाती क्या है, छोटे छोटे पौधों की जड़ों से बनाती है, लिखा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मैं पहले ये पहचानो, पहचानो यानी विशेषता के आधार पर नाम लिखो, ठीक है, ये क्वेश्चन करा रहा मैं। काली हूँ, काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, कोयल कोयल, मैं हरा हूँ, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, लाल मेरी चोंच है, ये हो गया तोता, तोता की लाल चोंच हो गई। फिर है नंबर थ्री, सूप जैसे कान हैं, जैसे कान हैं, मोटे मोटे पांव हैं, मोटे मोटे पांव हैं, पांव हैं, हाथी सिर पर ताज है, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, दुम पर पैसा है, मोर घरों में आता हूँ, घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, चीज़ें कुतर जाता हूँ, कुतर जाता हूँ, चूहा। अब इनको दोबारा से आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, पढ़ के वो दो तीन चीज़ों के अर्थ भी समझ में आ जाएंगे। वैसे आते हैं आपको, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कुछ बच्चे ये भी समझ सकते हैं कि काले रंग की लड़की है वो अच्छा गाना गाती है, ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, उसकी विशेषताओं को देखो। मैं काली हूँ, चित्र बना हुआ है आपके सामने, अगर चित्र नहीं है तो उसमें क्या है कि मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, तो मीठा गाना तो कोयल ही गाती है, मीठा गाना कोयल गाती है। सभी पक्षियों में कोयल सबसे प्रिय होती है, क्योंकि उसकी आवाज़ सबसे मीठी होती है, और वो अब घर के आसपास बाग बगीचों में रहती है, और वो बोलती है सुबह शाम, तो बहुत ही सुहावना वातावरण लगता है, ये है कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, तो लाल चोंच किस पक्षी की है, सबसे सुंदर लाल जो चोंच है वो किसकी है, तोता की, तोता की सुंदर चोंच मानी गई है, सबसे ज़्यादा सुंदर और हरा रंग का होता है, तो वो हुए तोता। फिर है सूप जैसे कान हैं,
अब आप कहेंगे सूप क्या होता है? सूप क्या है कि अनाज बनाने का एक साधन होता है। अनाज में कंकड़, पत्थर, मिट्टी के कण कुछ भी हो सकते हैं, हम अनाज लेके आते हैं, जैसे गेहूं है, चना है, या ज्वार है, या बाजरा है, मक्का है, तो ये सब खेत में से पैदा होते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए, इस अनाज को साफ़ करने के लिए सूप का इस्तेमाल किया जाता है। सूप सरकंडे से बनते थे, अब सरकंडे क्या है कि बहुत कम रह गए हैं दुनिया में, क्योंकि सरकंडे जहाँ पर होते थे उस ज़मीन को लोगों ने उपजाऊ बना लिया है, सरकंडों को काट दिया गया है। सरकंडे क्लास 4 में सरकंडे के बारे में बहुत लिखा गया है कि सरकंडा क्या होता है। तो सरकंडा क्या है कि एक पौधा होता है और वो धीरे धीरे बहुत लंबा बढ़ जाता है, तो उसकी कई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उससे सूप भी बनते हैं, खिलौने भी बनते हैं, और क्या है कि उससे और भी मूढ़े भी बनते हैं बैठने के लिए, कुर्सी टाइप कुर्सी होती है ना प्लास्टिक की, इसी तरह से सरकंडे से कुर्सी भी बनती है। ये सरकंडा क्या है कि वो चीज़ है। तो अब बात आई किसकी, सूप की, समझा रहा कि सूप क्या होते हैं। सूप आजकल तो लोहे के, स्टील के सूप बाज़ार में मिल रहे हैं, सरकंडे के कहाँ से खरीद के लाएंगे? सरकंडे के गांव में, देहात में मिल जाते हैं। तो पहले सूप से ही अनाज बनाते थे जो सरकंडे से बनता था, लेकिन अब तो क्या है कि वो सूप तो कहीं देखने को मिलते नहीं, कोई गांव में मिलते हैं कुछ लोगों के पास, नहीं तो स्टील के या लोहे के सूप मिलते हैं जिससे अनाज साफ किया जाता है। तो सूप जैसे कान, सूप जैसे कान जो बड़े बड़े होते हैं वो हाथी के होते हैं, और मोटे मोटे पाँव, पाँव यानी पैर, तो वो क्या है? हाथी। फिर है सिर पर ताज है। अब अगला क्वेश्चन है कि सिर पर ताज है, ताज यानी मुकुट, मुकुट मुकुट जिसको कहते हैं मुकुट, और उसको कलगी भी बोलते हैं, ठीक है, उसको कलगी भी बोलते हैं। ताज, ताज, कलगी, मुकुट, ये एक ही चीज़ है। ताज, कलगी और मुकुट एक ही चीज़ है। तो सिर, मोर के सिर पर ताज होता है। दुम पर पैसा, दुम माने क्या है? दुम माने पूंछ, और पूंछ पर जो उसके क्या है, पंख जो होते हैं उन पर पैसा जैसा चमकीला प्रिंट हुआ रहता है, वो प्रकृति ने इस तरह का बनाया है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुहावना लगता है। तो सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, दुम माने पूंछ, ठीक है, पूंछ पैसा है, वो क्या है? मोर। फिर ये साधारण है, घरों में आता हूँ सारी चीज़ें उतर जाता हूँ। तो चूहा कहीं भी पहुँच सकता है, आपके घरों में भी हो सकता है, कहीं से भी घुस सकता है, उसको जगह मिलती है वहाँ से घुस जाता है और हमारा बहुत नुकसान कर जाता है, इसलिए घरों में से चूहों को भगा देना चाहिए। तो ये चूहा बहुत नुकसान करता है। तो ये मैंने क्या है कि आपको ये क्वेश्चन कराया। अगली मैं क्वेश्चन आगे और मैं करा रहा हूँ कि हाँ, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बुनती है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बनता है? बुलबुल के बारे में तो आपने देख लिया कि किस किस से अपना घोंसला वो बनाती है, और आप भी अपना घर बनाते हैं, आपके पापा आपका घर बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाती है वो अब मैं इस आपके लिए लिखा रहा हूँ। बस एक ही क्वेश्चन और कराऊँगा, ये साफ कर दे। बुलबुल अपना घोंसला, घोंसला
घास और जड़ों से बुनती है या जड़ों से बनाती है। जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? से बना है, तो ये उत्तर है। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उसका उत्तर ये है, बुलबुल अपना घोंसला किससे बनाती है? इसका आंसर ये रहा, बुलबुल अपना घोंसला घास और जड़ों से बनाती है। इतना आंसर हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या है, बुलबुल अपना घोंसला घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? आपका घर जिसमें आप रहते हो, या आपके गाँव में घर है, या आपका किसी शहर में घर है, उसमें कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होता है? ठीक है, वेरी गुड। ईट, तो इसका उत्तर है ईट। ईट एक तो ईट, पत्थर, बालू, ईट, ईट पत्थर बालू सीमेंट, ईंट पत्थर बालू सीमेंट और लोहा, और लोहा से हमारा घर बना है। हमारा घर बना है, ये आंसर होगा। तो मकान बनाने में, घर बनाने में ईंट पत्थर, ईंट का भी उपयोग होता है, पत्थर का भी होता है, दोनों चीज़ें का उपयोग होता है। कोई पत्थर ही पत्थरों से बना लेता है, लेकिन उसमें ईंटों का भी उपयोग किया जाता है। बालू जो क्या है कि सीमेंट में उसको मिलाते हैं, बालू को, ठीक है, सीमेंट और बालू इनका। फिर और लोहा, घर में लोहा भी का भी बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा लोहा खरीदना पड़ता है और उसको क्या है कि उसके उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह क्या है कि मैंने आपको ये इतना कराया, आगे इसमें से खाली स्थान जो भी है मैं और कराऊंगा और इसकी वर्कशीट भी दूंगा। तो शायद आज जो मैंने पढ़ाया है तो समझ में आया होगा। और घर पर जो वर्कशीट आपने अब तक नहीं भेजी है, जो मैंने डाली है लेसन नंबर 8 की है शायद, वो तितली कली से आगे की मैंने एक दे दी है आपके लिए, तितली कली की आई नहीं है 8 की, ये लेसन नंबर 9 है। तो काम करिए, और आज इतना इतना सा आप पढ़ेंगे तो वो बहुत है आपके लिए, आपके लिए 25-20 मिनट का ही मटेरियल बहुत है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा समझा और अच्छी पढ़ाई की। अब ये मैं बंद कर रहा हूँ, धन्यवाद।